गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग हेल्दी और खुश होंगे। फ्रेंड आज देखिए, मैं आप लोगों के साथ आज तक अपने ब्लॉग में मैंने किसी मिठाई की रेसिपी शेयर नहीं की थी, तो आज मैं आप लोगों के साथ एक मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बेसन के लड्डू की। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर देखिए बेसन को भूनने जा रही हूँ और मैंने इसमें डाल दिया है तेल ढेर सारा, क्योंकि बहुत सारे ढेर सारे मतलब बेसन हैं, तो उस हिसाब से तेल में ही बनाऊंगी। तो थोड़ा ज़्यादा ही लड्डू बना रहे हैं फ्रेंड, तो और जब मैं इसे प्रिपेयर कर लेती हूँ तो लड्डू मेरे बच्चे बना लेते, मतलब मैं सब करके दे देती हूँ। अभी मैंने शुगर को भी ग्राइंड नहीं किया, मतलब पीसा नहीं है, वो भी करना है। तो पहले मैं बेसन को भून लूँ ताकि ये ठंडा होने लगे, फिर देख रही हूँ इतना लूँ या और एक साथ ज़्यादा न डाल दूँ। ज़्यादा डालने से फ्रेंड हाथ में दर्द हो जाता है और जल्दी भूनता भी नहीं है। तो मैं आधा आधा बेसन भूनूंगी। मैंने 3 पैकेट फ्रेंड डाला है और ये देखिए और 3 पैकेट बेसन अभी और डालेगा। तो पहले इतना आधा भून लूंगी, उसके बाद बाकी भूनूंगी, नहीं तो ढेर सारा एक साथ भूना नहीं जाएगा। बेसन के लड्डू में ढेर सारा घी पड़ता है, और या तो तेल से बना रहे तो तेल पड़ता है, लेकिन मैंने अभी ढेर सारा नहीं डाला है, क्योंकि ढेर सारा घी डाल दो या तेल डाल दो पैन तो वो मतलब बहुत गाढ़ा चलने लगता है, क्योंकि थोड़ा सा बना नहीं रहे, ज़्यादा बना रहे हैं, ज़्यादा बेसन भून रहे हैं, फिर हाथ दर्द होने लगता है। इसीलिए मैं थोड़ा पाउडरी फॉर्म में ही रखती हूँ बेसन को, तो भूनने में आसानी रहती है। फ्रेंड देखिए थोड़ा सा जल भी गया, कैमरा मैं सेट करने लगी उतने में मेरे बेसन थोड़े से ज्यादा थोड़ा सा जल गया। वैसे तो ठीक ही फ्राई भुना हुआ है, अभी आधा मैंने भुना है। इसको ठंडा होने के लिए थाली में फ्रेंड रख दूंगी और बाकी का आधा और मैं भूनूंगी। इसे ठंडा होने के लिए मैं रख दूंगी थाली में। ये बाकी के पैकेट भी मैं काट लूं, मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। ये फ्रेंड मैं रिफाइंड तेल में बना रही हूँ, क्योंकि ये 1.5-2 किलो बेसन है, तो इतने बेसन के लिए तो घी भी तो उतना ही चाहिए, तो उतना देसी घी आप लोगों को तो पता है, थोड़ा सा बनाना होता है तो इंसान देसी घी में बना सकता है। तो मैं बाद में मैं इसमें देखूंगी, थोड़ा सा मैं इसमें घी डाल दूंगी, लेकिन पहले मैं रिफाइंड में ही इसे भूनूंगी। थोड़ा सा ही डाला हुआ है और सब मैंने इसमें डाल दिया। यहाँ पे फ्रेंड निम्मी देखिए शुगर को पीस रही है मिक्सर में, सबको काम दिया। यहाँ पे देखिए किरण भी आई हुई है हम लोग के साथ दिवाली मनाने, और ये देखिए सिद्धार्थ, सारे बच्चे यहीं पर हैं। थोड़ा सा धरधरा बहुत अच्छा है ना? हाँ ये ठीक है, ठीक है चलो। थोड़ा सा एक राउंड और मार दे, हाँ एकदम चीनी पाउडर भी नहीं होना चाहिए। हाँ अब मम्मी कहाँ गई? और यहाँ पे फ्रेंड देखिए मैंने इसमें ढेर सारा तेल अब डाल दिया, ये सेकंड घान है, एक हो चुका है, ये देखिए यहाँ पर ठंडा होने के लिए रखा हुआ है। हाँ उसको भी पीस दे। ये देखिए ठंडा होने के लिए इसको मैंने यहाँ रखा हुआ है, और यहाँ इसमें फ्रेंड मैंने हटोनेमी, इधर से अंधेरा हो रहा है, हल्दी डाला है ताकि लड्डू हमारे पीले पीले बने, और मैंने ढेर सारा तेल डाला है
पहले मैंने इसे भून लिया है। ओह सॉरी, मैंने इंडक्शन को ऑफ कर दिया था। ये हो ही गया है मेरा। अब इसको हम उसमें मिला दूंगी, फिर चीनी मिला के फ्रेंड आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बने रहिए मेरे ब्लॉग में, देखते रहिए मैं किस तरह से बेसन के लड्डू बनाती हूँ। हाँ हो गया होगा, चीनी का डालोगे? मैं खाऊंगी नहीं। हाँ ये थोड़ा ज्यादा दर्द रहा है जी, नीचे का देख एकदम ज्यादा दर्द रहा है। नहीं थोड़ा पीस ना तो कम डालेगा ना, पीस लूं अगर कम हो गया तो फिर कौन उठेगा पीसने के लिए। यहाँ पर बेसन एकदम ठंडे हो चुके हैं, मैं कोशिश कर रही एकदम ठंडे हो जाएं क्योंकि हल्के हल्के हो गए हैं। और मिला रही हूँ जो दो टाइम अलग अलग मैंने बनाया हुआ था बेसन भुना हुआ था उसको, एक में तो तेल बहुत ज़्यादा डाला हुआ था, एक एकदम सूखा हुआ था, तो दोनों को मिला रही हूँ गर्म ठंडा को ताकि मिल जाए। क्योंकि आप लोगों को तो पता है अगर गर्म गर्म बेसन में हम चीनी का पाउडर डालते हैं, पाउडर चीनी डालेंगे तो वो पिघल जाएगा, इसीलिए मैं उसे ठंडा कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड लड्डू बनना स्टार्ट हो गया है और चार चार लोग बैठे हुए हैं लड्डू बनाने के लिए। ये मेरे हर साल मेरे यहाँ ऐसे ही होता है, जब जब मैं लड्डू बनाती हूँ हर साल, क्या जब भी लड्डू बनाती हूँ साल में जब भी मन करता है खाने का बनाते हैं, तो मेरे बच्चे मैं सब प्रिपेयर करके दे देती हूँ और मेरे बच्चे लड्डू बनाने लगते हैं, मुझे कुछ करना नहीं रहता है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप देखिए फ्रेंड मैं लंच और डिनर में बना रही हूँ बैगन और आलू की कलौजी। बैगन को देखिए इस तरह से टुकड़े टुकड़े काट लिया, अखे बैगन का बनाने वाली थी लेकिन बैगन कीड़े और किड़के निकल गए तो इसीलिए उसको काट के बनाना पड़ रहा है। और ये आलूओं को मैंने चार चार पीस में काट कर लिया है, तो क्योंकि इसमें तेल ज़्यादा लगता है बैगन की कलौजी में। तेल गरम हो चुका है और मैं पहले टेम्परेचर कम कर दूंगी अदरवाइज छिटके पड़ेंगे। और मैं पहले बैगन डालूंगी, बैगन जल्दी ही फ्राई हो जाते हैं और तेल भी ज़्यादा सोखते हैं, इसीलिए पहले बैगन ही डालूंगी। अब टेम्परेचर में फास्ट कर दिया मैंने 1100 पे। अब इसके बाद इन आलूओं को मैं ऊपर से डाल दूंगी और इसको ढक दूंगी। देखिए फ्रेंड हमारा बन चुका है, बैगन भी फ्राई हो चुके हैं, पोटैटो भी, क्योंकि कलौजी का मसाला फिनिश हो गया है इसीलिए मैं यही मसाले डालूंगी जो मेरे इसमें हैं। तो जैसे कि टर्मरिक पाउडर ऐड करूंगी और एक चम्मच मैं जीरा पाउडर डालूंगी, एक चम्मच धनिया पाउडर। इन्हीं मसालों से मैं कलौजी बनाऊंगी और अमचूर पाउडर मस्त रहता है। वन स्पून अमचूर पाउडर और मैं इसमें चिली पाउडर भी डालूंगी, रेड चिली पाउडर। नॉर्मली मैं बहुत कम यूज करती हूँ। और सॉल्ट ऐड करूंगी। और इसको मैं चला दूंगी। वैसे पकी गया है फिर भी मसाले मिलाने के लिए वैसे कलछुल से चलाना चाहिए लेकिन मैं चिमटे से ही चला दे रही हूँ। इसको ढक के रख दूंगी और यह पक जाएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग हेल्दी और खुश होंगे फ्रेंड।
अभी मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा आप लोगों से वेलकम कर लिया जाए। अभी अभी नहा धो के सब तैयार होके आई हूँ और ब्रेकफास्ट का ब्रेकफास्ट की रोटियाँ बना रही हैं। तो डेली एक ही क्लिप नहीं शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। और बस और क्या बोलूँ, तबीयत कुछ नासाज सी लग रही है क्योंकि अब ठंडी स्टार्ट हो रही है, कोलकाता में भी ठंडी बढ़ रही है। तो फ्रेंड इसीलिए हिम्मत नहीं पड़ रही, फिर भी क्लिप्स तो रेडी हैं, वीडियो का मतलब हाफ वीडियो तो बन ही चुका है। तो मैंने सोचा चलिए वीडियो अपलोड कर देते हैं। और आज बाहर भी जाना है, कहाँ जाना है अगर वहाँ का शूट कर पाई तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहना मेरे ब्लॉग में और अगर पसंद आएगा तो ढेर सारे लाइक कीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा। और मेरे वीडियो पे अगर मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा विद बेल आइकन। और मेरे नाक में बहुत खुजली होती है फ्रेंड, मैं जब आप लोगों से बात करती हूँ मेरे नाक में खुजली स्टार्ट हो जाती है। आप लोग भी बोलेंगे बार बार निर्मला नाक पे हाथ क्यों लगाती है। तो फ्रेंड अभी इसके बाद फिर जाना है, जल्दी जल्दी काम निपटाना है कि करीब 12 बजे तक निकल जाना है, बाहर कुछ काम है। अगर मैं कंटिन्यू रखी, मैंने इस व्लॉग में उसको शूट किया तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। देखिए मैं आज कहाँ जा रही हूँ, यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर अंधेरा है कि यहाँ पर अंधेरा है। अभी फ्रेंड देखिए कपड़े पड़े हुए हैं, आई थिंक इसी वजह से अंधेरा लग रहा है। कपड़े भी मैंने नहीं उतारे, मैंने मॉर्निंग का ऐसा कोई काम स्टार्ट नहीं किया है इस वजह से। लेकिन बरामदे में अंधेरा ऐसा नहीं लग रहा उतना, क्योंकि बरामदे में काफ़ी बाहर देखिए काफ़ी धूप निकली हुई है। और अगर पसंद आएगा मेरा वीडियो तो आप लोग देखिए यहाँ पर, हाँ अगर पसंद आएगा मेरा वीडियो आप लोगों को तो मेरे वीडियो को आप लोग मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड ग्रुप में। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आगे का काम देखते हैं। दाल छौंका नहीं था फ्रेंड, ये तो दाल छौंक रही हूँ, सिंपली छौंक रही हूँ जीरे से। डेली मैं ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, उतना टाइम नहीं रहता है। तो जीरे से ही छौंक रही हूँ। देखिए फ्रेंड इतना थोड़ा सा आटा बचा हुआ पिछला, अभी आज कल हम लोग परसों हम लोग आटा लेके आए थे। यहाँ पर देखिए इसको रखना डब्बे में, तो मम्मी ने कहा कि मम्मी इसमें घुन पड़ गया है, तो मैंने चश्मा नहीं लगाया था। अभी मैं चलनी में निकालना है, तो पहले चलनी में निकाल के उसको चाल लूं। यहाँ पे लंच के लिए देखिए निम्मी सब्जियों को काट रही है, ये काट देगी उसके बाद मैं उसको छौंका दूंगी। किरण साथ में बैठी है, कहा दीजिए दो मैं भी आलू छील लूँ, मेरा भी कंट्रीब्यूशन हो जाए। हाय कर रही है नागिन स्टाइल में ये सवेरे से बर्तन धुल के रखे थे, नरात के बर्तन थे, निम्मी ने धुले थे, अभी तक मैंने इसे रखा नहीं। धूल तो जाते हैं लेकिन रखा नहीं था। सब बर्तन सूख गए हैं इसलिए पोछने की जरूरत नहीं पड़ रही है। छोटी
कटोरियाँ थोड़ी सी गीली हैं। चलिए फ्रेंड, अब इस ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। और मैं स्टार्टिंग में भूल गई फ्रेंड, आज धनतेरस है, धनतेरस कल भी था, इसके लिए सॉरी, मैं भूल गई आप लोगों को धनतेरस की विश करने के लिए। तो आप लोगों के लिए हैप्पी धनतेरस, बहुत बहुत शुभकामनाएं धनतेरस की। और सारा काम हो चुका है क्योंकि मुझे बाहर जाना है, तो मैंने सोचा है वीडियो का यहीं पर एंड कर देती हूँ। और कल के व्लॉग में आप लोग, मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी, वो कल के व्लॉग में आप लोगों को हो सकता है देखने के लिए मिले, अगर मैंने शूट किया तो। और अगर मैं शूट ना कर पाई तो कोई बात नहीं। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को जानना है कि मैं कहाँ गई थी, तो कल के व्लॉग में बने रहिए। मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी, मैं वीडियो ज़रूर शूट करूँगी। और क्योंकि तिवारी जी बोले थे तैयार होना, तो मैंने सोचा था जल्दी से करके मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ, ताकि जल्द से जल्द वीडियो आप लोगों तक पहुँच जाए। और क्योंकि अगर मैं आने के बाद करूँगी तो बहुत देर हो जाएगी, आने में 3-4 बज सकते हैं, तो फिर उसके बाद कब वीडियो एडिट होगा, कब मैं आप लोगों को अपलोड करके भेजूंगी। तो इसीलिए फ्रेंड, मैंने अभी सोचा कि अभी मैं अपलोड कर देती हूँ, अभी तिवारी जी को आने में टाइम है। और मैंने पत्ता गोभी की रेसिपी शेयर नहीं करी, वैसे भी मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो निम्मी बना रही है, तो इसीलिए मैंने शेयर नहीं किया। और ये व्लॉग मैं एंड कर रही हूँ जल्द से जल्द, क्योंकि मुझे जल्दी जाना है। तो अगर पसंद आएगा तो ढेर सारे लाइक कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन, और मेरे वीडियो को आप लोग फ्रेंड ग्रुप में और रिलेटिव्स में शेयर कर सकते हैं। चलिए अब व्लॉग का फाइनली एंड करती हूँ। फिर से बोल रही हूँ आप लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, और दिवाली के लिए भी हार्दिक बधाई अभी से एडवांस में दे रही हूँ। दीपावली तो कल है, कल भी दूंगी, आज भी दे दिया। चलिए व्लॉग का फाइनली एंड करते हैं, कल फिर मिलूंगी बहुत अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। बाय बाय।